आंचल मेमोरियल ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट में नांदेड़ की एन.डी.एफ.ए टीम ने पहला इनाम हासिल करते हुए टूर्नामेंट की ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। इनकी इस कामयाबी पर आज नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन की जानिब से टूर्नामेंट में कामयाबी हासिल करने वाली टीम की तहनियत की गई। एनटीसी मिल ग्राउंड में मुनक्कद एक तकरीब के दौरान सभी खिलाड़ियों की गुलपोशी करते हुए उनके हौसला अफजाई की गई। वाजे रहे कि निजामाबाद में 12 जनवरी से 14 जनवरी के दौरान आंचल मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया था। फाइनल मुकाबले में एनडीएफए का मुकाबला खम्मम हैदराबाद की टीम से हुआ, जिसमें नांदेड़ की एनडीएफए टीम ने जीत हासिल की है और आंचल टूर्नामेंट की ट्रॉफी और पहला इनाम 25,000 रुपए और मेडल अपने नाम किया। इनकी इस कामयाबी पर नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन के जिम्मेदार मौजूद थे। आज हमारे को बहुत बड़ी खुशी है कि हमारे नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल की ओर से हमारी जो टीम है तेलंगाना के लिए रवाना हुई थी, वहाँ पे बहुत अच्छा प्रदर्शन किया उन्होंने और वहाँ पे फाइनल मारा है, प्राइज़ लिया है। वो खम्मम जो टीम थी तेलंगाना की, उससे हमारा पहला फाइनल था जिसमें उन्होंने 1-0 से हमारी टीम ने वहाँ पे फर्स्ट प्राइज़ हासिल किया। इसी तरह हमारे तो हम इंशाल्लाह ऐसी हमारे लड़कों को बाहर भेजेंगे और हमारे नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट की और हमारे महाराष्ट्र की हमारे नांदेड़ डीएफए की ओर से जो प्लेयर ने खेला है और उन्होंने हमारा नाम रोशन किया है, इसी तरह हम उम्मीद रखते हैं हमारे प्लेयरों से कि इसी तरह बाहर जाकर खेलें और नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन करें और महाराष्ट्र का नाम रोशन करें और यहां से हम अच्छे अच्छे प्लेयर इंशाल्लाह महाराष्ट्र स्टेट के लिए खेलने के लिए देंगे। इंशाल्लाह वो आगे चल के इसी तरह हमारा मुजाहरा करेंगे और हम नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल का एसोसिएशन का और नांदेड़ का खास तौर पे नाम रोशन। फाइनल विनर अदर स्टेट में जाके हमने खेला, जैसे तेलंगाना स्टेट है वहाँ पर गए, निज़ामबाद में पार्टिसिपेशन किया और फर्स्ट प्राइज़ अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर जाकर जीत हासिल की और वहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े भी टीम थी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनको शिकस्त दी और ऐसे ही हम आगे भी कामयाब होंगे और इंशाल्लाह नांदेड़ का महाराष्ट्र का झंडा ऐसे ही गाड़ के आएंगे, जहाँ पर भी जाएंगे इंशाल्लाह फतह हासिल करके आएंगे।